तो मेरे भाइयों, जब हमें किसी इवेंट या फंक्शन के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगना होता है तो हम लोग अपने ड्रेसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके चक्कर में हम ऐसी काफी सारी चीजों को भूल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे ओवरऑल लुक को कंप्लीट करने में। क्या है वो चीजें? वो चीजें होती है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का काफी मेजर रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करने में। बट काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्सेसरीज को ऐड करना चाहिए अपने वार्डरोब के अंदर, जो बजट में भी हो और जिन्हें हम इजीली स्टाइल भी कर सके। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज मैं आपको 10 ऐसी लो बजट एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगा जो कि हर बंदे के वार्डरोब में होनी चाहिए, जिन्हें यूज करके आप नॉर्मल से आउटफिट में भी सुपर स्टाइलिश लगोगे। और साथ ही साथ मैं आपको उन सभी एक्सेसरीज का परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप उन्हें जाकर खरीद सकते हो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको आपको एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं करना चाहते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, पहली एक्सेसरी जो आपके पास होनी ही चाहिए वो है एक एनालॉग वॉच। भाई, आपके पास कोई एक्सेसरी हो या ना हो, बट आपके पास कलाई में पहनने के लिए एक वॉच जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि वॉच या के लिए एक ऐसी एक्सेसरी है जिसको अपने आउटफिट के साथ पहनने से आप काफी मैच्योर और प्रेजेंटेबल लगते हो। अब एक वॉच को खरीदते और पहनते टाइम आपको कुछ रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जो आपकी वॉच है वो आपकी कलाई में लूज बिल्कुल ना हो, वॉच हमेशा आपकी कलाई में अच्छे से फिट होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा रूल आपको ये फॉलो करना है कि जो आपकी वॉच का डायल है वो पतला और छोटा होना चाहिए, क्योंकि पतले और छोटे डायल वाली वॉचेस कुछ इस तरह के बड़े डायल वाली वॉचेस के कंपैरिजन में बहुत कंफर्टेबल होती है पहनने में। अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपको हमेशा अपनी कलाई में पतले और छोटे डायल वाली वॉचेस को पहनना है, और अगर आप थोड़े मोटे बंदे हो तो आप थोड़े बड़े डायल वाली वॉचेस पहन सकते हो, बट याद रखना वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा रूल ये है कि आपको अपनी वॉच को अपने नॉन डोमिनेंट हाथ में पहनना है। जैसे अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपको अपनी वॉच को लेफ्ट हैंड में पहनना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड तो आपको अपनी वॉच को राइट हैंड में पहनना है, जिससे कि कुछ काम करते हुए या लिखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके अलावा वो कौन कौन सी वॉचेस हैं जो हम लड़कों के पास होनी चाहिए, तो वो है एक ब्लैक या ब्राउन कलर की लेदर स्ट्रैप वॉच और एक सिल्वर मेटल वॉच। तो भाई, दूसरी एक्सेसरी है सनग्लासेस। भाई, सनग्लासेस एक ऐसी एक्सेसरी है जो कि आपके फेस के स्ट्रक्चर को और भी अट्रैक्टिव बनाती है, और इसके अलावा ये हमारी आंखों को सूरज की हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करती है। काफी सारे लोग सनग्लासेस को लेते टाइम ये गलती करते हैं कि वो मार्केट से कुछ इस तरह के कलरफुल सनग्लासेस को खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर आपको सनग्लासेस को पहनकर अट्रैक्टिव दिखना है तो आपको पहले सिर्फ ब्लैक कलर के सनग्लासेस को प्रीफर करना है, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स आपके फेस पर तभी ज्यादा अच्छे लगते हैं जब आप उन्हें अपने फेस शेप के हिसाब से लेते हो। अब अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स को लेना चाहिए, तो आप इस चार्ट को वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इस चार्ट के हेल्प से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके फेस शेप पर किस टाइप के सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स अच्छे लगेंगे। तो भाई, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए वो है एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम। भाई, परफ्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और भी चार्मिंग बनाने में, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अच्छे से स्मेल करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले बंदे लगते हैं, और उसके ही अपोजिट अगर हम बहुत गंदे स्मेल करते हैं तो हम लोगों को उतने ही अनअट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों पर काफी अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो, जिससे वो आपको नोटिस करे और आप उनको और भी अट्रैक्टिव लगो, तो आपको हमेशा एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाले लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम को यूज करना है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरह के परफ्यूम को चूज करना है जिसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो और जो काफी लॉन्ग लास्टिंग भी हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा एप्सिलॉन का ये पॉकेट परफ्यूम कॉम्बो, जिसमें आपको तीन फ्रेग्रेंस मिलती हैं, जिन्हें आप इजीली अपनी पॉकेट के अंदर कहीं भी कैरी कर सकते हो और ट्रैवलिंग के दौरान अपने बैकपैक के अंदर भी। इन परफ्यूम्स को आप अलग अलग ओकेजंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसे जो ये वाइल्ड ब्लू वाला परफ्यूम है, ये सबसे बेस्ट है डेली यूज के लिए, जिसमें आपको एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस मिलती है जो आपको पूरे दिन काफी फ्रेश फील कराती है। इसके अलावा जो ये गोल्डन सैंड वाला परफ्यूम है, इसमें आपको एक इंटेंस और वुडी फ्रेग्रेंस मिलती है, जिसे आप किसी स्पोर्टी ओकेजन के अंदर यूज कर सकते हो। और रही बात शूटिंग स्टार वाले परफ्यूम की, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे शादी और पार्टीज वगैरह। इसमें एक एरोमेटिक और स्पाइसी फ्रेग्रेंस है जो कि आपको बहुत ही स्पेशल वाइब देती है। ये कॉम्बो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर इजिली मिल जाएगा, बट अगर आप इसे एप्सिलॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे तो आपको मेरे कूपन कोड को यूज करके इन पर 10% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। प्रोडक्ट का लिंक आपको कूपन कोड के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे खरीद सकते हो। तो भाई, चौथी एक्सेसरी जिसे आप अपने वार्डरोब के अंदर ऐड कर सकते हो वो है एक नेकलेस। भाई, नेकलेस एक बहुत ही अंडररेटेड एक्सेसरी है जो हमारे आउटफिट में एक बहुत ही स्टाइलिश फीचर ऐड कर देती है, बट कुछ लोग नेकलेस के साथ ये गलती करते हैं कि वो हिप हॉप आर्टिस्ट लोगों से इंस्पायर होकर कुछ इस तरह की मोटी और भारी नेकलेस को पहन लेते हैं, जिससे वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लगते हैं। अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो आपको कुछ इस तरह की पतली नेकलेस को पहनना चाहिए जो कि सिल्वर या ब्लैक कलर में हो,
वैसे आप सिंगल एक नेकलेस की बजाय दो या तीन नेकलेस भी पहन सकते हो, बट याद रखना वो सेम एक कलर की होनी चाहिए और उनकी लेंथ भी अलग अलग होनी चाहिए, जैसे एक छोटी नेकलेस के साथ एक लंबी नेकलेस। इसके अलावा आप अपनी नेकलेस के अंदर कुछ इस तरह का सिंपल पेंडेंट भी पहन सकते हो जो आपको और भी स्टाइलिश बनाएगा। तो भाई पांचवी एक्सेसरी है ब्रेसलेट्स। भाई ब्रेसलेट्स भी काफी हेल्पफुल होते हैं आपके लुक को और भी बेटर बनाने में, बट मार्केट में आपको कुछ इस तरह के रबड़ ब्रेसलेट्स मिल जाते हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपके लिए ये तीन तरह के ब्रेसलेट सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे खरीदने और पहनने के लिए। पहला है कुछ इस तरह का सिल्वर या ब्लैक मेटल ब्रेसलेट, दूसरा है लेदर ब्रेसलेट और तीसरा है बीडेड ब्रेसलेट। छठी एक्सेसरी है रिंग्स। भाई जब आप अपने आउटफिट के साथ रिंग्स को ऐड करते हो तो ये आपके स्टाइलिंग को बहुत ही अच्छे से एलिवेट करती है, बट भाई रिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी फिंगर्स में भर भर कर अंगूठियां पहन लो। आपके लिए यही सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने हाथों की फिंगर्स में मैक्सिमम दो रिंग्स पहनो। आपको अपनी रिंग्स को उस हाथ में पहनना है जो थोड़ा खाली खाली हो, जैसे कि अगर आपने राइट हैंड में वॉच पहन रखी है तो आपको लेफ्ट हैंड वाली फिंगर्स में रिंग्स पहननी है, और अगर लेफ्ट हैंड में वॉच पहन रखी है तो आपको राइट हैंड वाली फिंगर्स में रिंग्स पहननी है। और अगर कलर की बात करूं तो हम लड़कों के लिए सिल्वर और ब्लैक कलर की रिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। तो भाई सातवीं एक्सेसरी है पैंट के साथ पहनने के लिए एक बेल्ट। भाई वैसे तो हम लोग बेल्ट का ज्यादातर यूज फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर करते हैं, बट जब हमारी पैंट लूज होती है तो हमें उस सिचुएशन में भी बेल्ट का यूज करना पड़ता है। बेसिकली जब हम किसी फॉर्मल आउटफिट को पहनते हैं तो उसमें बेल्ट का काफी मेजर रोल होता है, जिसके बिना हमारा फॉर्मल आउटफिट कंप्लीट नहीं होता। अगर आप फॉर्मल्स के अंदर बेल्ट को पहन रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बेल्ट को बाकी एक्सेसरीज के साथ मैच करके पहनना है, जैसे अपने शूज और अपनी वॉच के स्ट्रैप के साथ। और बेल्ट से रिलेटेड आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरह के बकल वाली बेल्ट को अपने से 500 मीटर दूर रखना है। आपको कुछ इस तरह के सिंपल बकल वाली बेल्ट को पहनना है अपनी पैंट के साथ। आठवीं एक्सेसरी जो नॉर्मली सभी लड़कों के पास होती है वो है बैकपैक। अब अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हो तो बैकपैक आपके लिए एक मस्ट हैव एक्सेसरी है, जिसके अंदर आप अपनी बुक्स वगैरह को कैरी करते हो। बट बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि वो कुछ इस तरह के बैकपैक को लेकर जाते हैं अपने स्कूल और कॉलेज में, जो कि बहुत किडिश लगता है। अगर आपको क्लासी दिखना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप कुछ इस तरह के लेदर बैकपैक को खरीदो जो कि ब्लैक या ब्राउन कलर में हो। इन दोनों बैकपैक्स का परचेसिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। तो भाई नौवीं एक्सेसरी है कैप्स। भाई जब आप कड़ी धूप में कहीं बाहर जाते हो या जब आपके बाल अच्छे से सेट नहीं रहते तो इस सिचुएशन में कैप्स बहुत काम आती है। अब मार्केट में आपको कैप्स की काफी सारी वैरायटीज मिल जाती है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए कुछ इस तरह की बेसबॉल कैप्स लो जो कि सिंपल ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रे कलर में हो, जिन पर किसी दूसरे कलर का पैटर्न या लोगो वगैरह ना हो। तो भाई फाइनली दसवीं और लास्ट एक्सेसरी जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक वॉलेट। भाई वॉलेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, जिसके अंदर हम अपने जरूरी कार्ड्स और आईडीज वगैरह को कैरी करते हैं। बहुत से लोग अपने वॉलेट के साथ ये गलती करते हैं कि वो अपने वॉलेट के अंदर दुनिया भर का सामान ठूस कर रखते हैं, जिससे उनकी पॉकेट भी दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लगती है। अभी सिचुएशन में आपको सिंपली ये करना है कि आपको अपने वॉलेट के अंदर मिनिमम सामान को रखना है, जैसे जरूरी कार्ड्स और आईडीज वगैरह। रही बात कैश की तो आप थोड़ा बहुत कैश रख सकते हो, बट भाई ज्यादा नहीं। आपको कुछ इस तरह के वॉलेट को खरीदना है जो कि स्लिम और इजी टू कैरी होना चाहिए, और आपको अपने वॉलेट को हमेशा पैंट की साइड वाली पॉकेट में रखना चाहिए, ना कि पीछे वाली पॉकेट में। तो भाई यह है वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो कि हर बंदे के पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एक्सेसरी को खरीदना चाहते हो तो मैंने इनका परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर इन्हें खरीद सकते हो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मैं आपको अपनी ये दो वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा, आप इनको एक बार जरूर से देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।